इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में से एक है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तय समय पर लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समझ को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में विगत दो वर्षों में अलग अलग विषयों में राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं वेबिनार का आयोजन किया गया, जिससे विद्यार्थीगण स्थानीय एवं छात्रों सहित देश विदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समझ बढ़ी है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में थी वो 10+2 बेस्ड थी, अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 5+3+3+4 बेस्ड है, जिसमें बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd प्रोग्राम भी शामिल है। इसके अलावा इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंक्लूड है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसमें भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। यह पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेता है। इस नीति का दृष्टिकोण भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान देता है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है। NEP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन 1968 में लाया गया था पहली बार के लिए, और इसको सेकेंड टाइम 1986 में सेकेंड टाइम इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 2020 में इसको नया फिर से रिफॉर्मेशन कर दिया गया है। सो इससे पी से हमारे भारत को बहुत अभी नया नया टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के मामले में बहुत सारा फायदा होने वाले हैं, जैसे कि हमारी इंडियन एजुकेशन को ग्लोबलाइज करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी शिक्षा और संस्कृति से होती है, क्योंकि GDP तो घटती बढ़ती रहती है। सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास का समन्वय एक देश के लिए जरूरी भी है। वैसे भी भारत विविधताओं वाला देश है, इसमें कई जातियां समूह हैं। इस आधार पर यदि एक शैक्षिक नीति का विश्लेषण किया जाए तो इसके ढांचे में एक प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें विभिन्न हितकारक नीतियों का विश्लेषण, निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और पुनः रचना करते हैं। शैक्षिक नीति सीधे तौर पर एक आदर्श शैक्षणिक मानक से संबंधित होती है, जैसे कि अर्थव्यवस्था की जनशक्ति आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है, ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। Various beautiful features in National Education Policy 2020. First, I would like to love that is there are concept of vocational courses. In this way, students can realize their potential and starts learning technical skills. And this vocational course starts from class 6. And second one is there are multiple entry and exit process in during graduation. Like if you complete 1 year, it is called certificate. If you complete second year, it is called diploma. In this way, if you complete third year, it is called degree, and fourth year it is called research. NEP आया सब स्टूडेंट्स के लिए। उसका स्ट्रक्चर था 5+3+3+4। तो उसमें नए सिरे से एक आया कि जो LKG और प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रारंभिक स्तर पे एक नए सिरे से एजुकेशन दिया जाए। जो छूट जा रहे थे सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आके, उनका जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं बढ़ पा रहा था एक तरह से, उनको किस तरह से एक्सपीरियंस दिया जाए वो एक महत्वपूर्ण पहलू है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखेगा एक तरह से। दूसरा चीज़ ये है कि जो कॉलेज जो होता है 9th से लेकर 12th तक, वहाँ पे जो 10th का जो बोर्ड का जो प्रेशर रहता है वो
एक तरह से जो क्रेडिट सिस्टम रहेगा उसी में उन लोगों का जो प्रेशराइजेशन है वो एक तरह से कम हो जाएगा। तीसरा चीज़ ये है कि जो इंटरमिंगलिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो रहा है, जो बाहर के कंट्री का एजुकेशन जो सिस्टम हमारे पास आ रहा है, फिर हमारे वाले जाके बाहर पढ़ रहे हैं, उसमें जो कल्चर का इंटरमिंगलिंग हो रहा है वो एक तरह से मायने रखता है और हमको कुछ सीखने को मिलता है। चीज़ है कि जो लैंग्वेज के ऊपर है, जो बेसिक जो फास्ट मदर टंग के ऊपर बहुत सारा जो अपना अपना जो 22 हमारा शेड्यूल लैंग्वेज है उसी में शिक्षा दिया जाएगा, तो वो एक तरह से बेनिफिट होगा। क्योंकि हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया या फिर कई तरह के कोर्सेस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या होगा कि एक तरह से अपना खुद का मातृभाषा में होगा, मदर टंग में होगा एक तरह से, तो वो आसानी हो जाएगा सीखने के लिए एक तरह से हम स्टूडेंट लोगों के लिए, और हम काफ़ी अच्छे तरह से उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं एक तरह से, सीखने में हमको फ़ायदा भी होगा। 2020 जो कि 2020 में आई थी नई शिक्षा नीति, इसमें एक सुंदर सी बात यह है कि इसमें जो वोकेशनल कोर्स है बच्चों को शुरू से ही एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल सिखाने के लिए जो शिक्षा में बात की गई है, इससे क्या होता था पहले कि लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार दर ज़्यादा बढ़ गई थी, और एक वोकेशनल कोर्स होने से बच्चों में ये पहले से एक स्किल रह रही है जिससे उनको रोजगार की या फिर नौकरी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, उनके अंदर एक ऐसा स्किल है जो उनको एक व्यवसाय करने के लिए, रोजगार करने के लिए पर्याप्त हो जा रहा है। और सबसे इसमें और बड़ी बात है इंटीग्रेशन, यानी जो 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी गई है उसमें MA का कोर्स भी दिया जा रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि किसी को यदि प्रोफेसर बनना है या फिर किसी को IAS बनना है, तो जो लोग 4 साल का BA कोर्स कर रहे हैं उनको MA की डिग्री एक साथ मिल जा रही है। उनको क्या हो रहा है, प्रोफेसर बनने के लिए जो MA में 2 साल एक लगता था, 1 साल कम हो जा रहा है, ये इसका बहुत बड़ा कारण। जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो लैंग्वेज के पे आया है। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर का काम करता था, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होता हायर एजुकेशन में जाके अपने आप को वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। इंग्लिश उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था समझने के लिए, क्योंकि उन्हें बेसिक से शुरू करना पड़ता था, उनका जो बेसिक लैंग्वेज बेसिक पढ़ाई शिक्षा होती थी वो हिंदी में होती थी, और उनको ड्रास्टिक चेंज उनके पढ़ाई में आता है जिसके कारण वो सिलेबस और कोर्स से पीछे होके उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है लैंग्वेज पे, उनका फोकस लैंग्वेज पे चला जाता है जिसके कारण वो अपने कोर्स और अपने जो कोर एरिया थे जिनके लिए वो आगे बढ़े हैं उस पे वो काम नहीं कर पाते थे। तो लैंग्वेज का बहुत काफ़ी हेल्पफुल है लैंग्वेज में चेंजेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उनकी जन्म या पृष्ठभूमि बाधक न बन पाए। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूली शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है, जिसकी झलक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है।